नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम लोग के YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंड पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में, जो कि है हमारा क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो सबसे पहले जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लिखा है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग ये डेफिनेशन लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में अभी आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा, मैं इसको भी फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। इस पहले हम लोग एक डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वो पॉइंट होता है जहां पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इंफिनिटी यानी किसी दूर के पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते हैं। उसी पूरे डेफिनेशन को मैं आप लोग को इस फिगर में समझाता हूँ। तो चलते हैं अपने फिगर की तरफ। अब अच्छे से देखिए आप लोग, यहाँ पर सब लोग, बीच में मैंने क्या रख रखा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये कह लीजिए यह पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये जो लाइंस देख रहे हैं ना आप लोग, देखो यहां से जा रही है और इस डायरेक्शन से होते हुए वापस इसी में आ जा रही है, ये बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो रीजन होता है चार्ज के चारों ओर का, वो रीजन होता है जहां पे इस चार्ज की इफेक्टिवनेस को फील किया जा सके या फिर महसूस किया जा सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अपने डेफिनेशन में देखते हैं क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाना है, यही है। तो देखिए मैं यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेता हूं, छोटा सा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस इसलिए बता रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे इसको इसी के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, मैं कहीं भी कोई पॉइंट यहां पे पी एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। ये देखिए ये पी पॉइंट है जो मैंने डार्क कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम लोग क्या कह लेते हैं, इन्फिनिटी कह लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ऐसा में इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, इन्फिनिटी मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस। अब बहुत लंबा डिस्टेंस तो मुश्किल ही होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको पॉइंट को एजम्पशन कर लेते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पॉइंट की एक्चुअल डिस्टेंस नहीं पता होती है कि कहां से कहां तक है, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारा टास्क क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पी तक लाना, यानी कि हमें इस पॉजिटिव चार्ज को यहां इस पॉइंट पी तक लाना है। अब क्या ये टास्क इतना आसान होता है, नहीं, ये टास्क इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भी बताता हूं। देखो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस देखो, मैं यहां पे एक चीज ऊपर यहां पे ड्रॉ करता हूं अच्छे से। जब हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस, यानी कि दोनों की साइन जो होगा वो सेम होगा, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि ये इसको इस तरफ अपनी फोर्स से इधर धकेलने की कोशिश करेगा और इसकी क्या टेंडेंसी होगी, ये भी सेम यही काम करेगा, ये इसको अपनी फोर्स की ओर इधर की ओर धकेलने की कोशिश करता है। अब यहां पर भी सेम यही चीज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इतना आसान नहीं कि यहां से इसकी फील्ड में यहां तक ले आए, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलने की कोशिश करेंगे, दूर, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। सो अगर हमें इस पॉइंट को यहां से पॉइंट पी तक लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी तक लाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक्सटर्नल वर्क करते हैं, जब एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पी पॉइंट तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये जो हमने वर्क किया है ना इस पॉइंट को, इस पॉइंट मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक अनदर पॉइंट पी तक लाने के लिए, इसी को जनरली हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप लोग कर लेंगे। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।